आप सभी लोगों का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। और आज हम देख रहे हैं उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालिया आयोग भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। तो आज हम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी आपको दे दूँ कि अगर हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो कोई खास फिलहाल इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित है, लेकिन एक प्रमुख आयोग है जो हमारे शिक्षा आयोग में गिना जाता है, तो कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता भी कम नहीं है। लेकिन अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका योगदान 10 से 5% ही रहा होगा। तो अगर नेट के एग्ज़ाम के अलावा हम कोई पेपर देते हैं, जैसे TGT या PGT या KVS का या UPTET, CTET वगैरह, तो कोई भी इस तरीके के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन नेट के एग्ज़ाम में हो सकता है इसका उपयोग शायद ही किया जाए। फिलहाल आइए देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही है। तो भारत सरकार ने जो 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी, तो ये जो मुदालियर आयोग था ये इन्हीं के नाम पे पड़ा, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग कहने लगे। कि जो अध्यक्ष होता है मोस्टली उन्हीं के नाम पर हम आयोग का नाम रख देते हैं। और आयोग ने जो पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। तो त्रिस्तरीय स्नातक की बात तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन जो त्रिस्तरीय स्नातक का पाठ्यक्रम है इस पर जोर देने का जो इन्होंने प्रयास किया, तो ये भी एक आयोग था जिन्होंने स्नातक को 3 स्तरीय रूप में बांटने की सिफारिश की थी। ठीक है, बात यह है कि इसे मध्यवर्ती स्तर से जोड़ने की बात कही गई। तो कहने का मतलब है मध्यवर्ती, जो भी हम माध्यमिक शिक्षा पढ़ते हैं प्राथमिक और उच्च स्तरीय के बीच में, उसमें कुछ ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो ऐसा पाठ्यक्रम हो जो हमारे भविष्य में उच्च शिक्षा को जोड़ता हो। ठीक है, आयोग के उद्देश्य क्या थे? तो भारत में जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति थी उसका अध्ययन कर उस पर प्रकाश डालना इसका प्रमुख उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु की अगर बात करें, माफ कीजिएगा थोड़ा सा हाईलाइट करना था इसको, तो विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का परस्पर संबंध ज्ञात करना है। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा में संबंध, और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अन्य समस्या। तो ये सारे जो थे उद्देश्य थे इस आयोग के। यहां पर थोड़ा ज्यादा गौर करने वाली बात है कि जो प्राइमरी शिक्षा की इन्होंने टाइमिंग बताई तो वो बताई थी 4 या 5 वर्ष की, है ना। तो प्राइमरी शिक्षा क्या 1, 2, 3, 4, 5 ही कक्षाएं होती हैं प्राइमरी में, तो कितने साल चलेंगी? जाहिर सी बात है 5 ही साल चलेंगी, है ना। तो ये प्राइमरी जो कक्षा 5 तक चलानी थी ये संतुष्टि की गई माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए ये इन्होंने कहा था। तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो इन्होंने 2 भाग बांटे थे वो कौन कौन से थे। तो पहला जो था वो था जूनियर सेकेंडरी शिक्षा, ठीक है, सेकेंडरी, जूनियर सेकेंडरी, और तीसरे को कहते हैं उच्चतर या हायर सेकेंडरी, हायर या उच्चतर सेकेंडरी। तो ये कहा गया 2 भागों में बांटा जाएगा। खास बात ये थी कि जो जूनियर माध्यमिक है उसको इन्होंने कहा ये 3 वर्ष का होना चाहिए, और ये जो हायर सेकेंडरी है इसको इन्होंने कहा कि 4 वर्ष का होना चाहिए। अब ये कौन सी क्लास थी? प्राथमिक तो हो गया, जूनियर जो आया तो 3, 6, 7, 8 ये क्लासें आई, और जो 4 वर्ष का आया इसमें 9, 10, 11, 12 ये क्लासें आई। तो ये जो क्लासेस थी ये आपकी हायर सेकेंडरी में थी, और ये जो 6, 7, 8 वाली क्लासेस हैं ये जूनियर सेकेंडरी में है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जूनियर सेकेंडरी में कौन सी क्लास आती हैं और ये कितने वर्ष की पढ़ाई के लिए जो है इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
आगे चलते हैं, इनके और भी थोड़ा जान लेते हैं कि इन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एम फॉर मल्टीपल, सी फॉर चॉइस, क्यू फॉर क्वेश्चन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, आपको बता दूं कि हमारा प्रयास है आपको जल्दी से एमसीक्यू के अलग वीडियो हम प्रोवाइड कराएं नेट एग्जाम के, ठीक है, फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। और जो लोग सेकंड पेपर से संबंधित हैं और एजुकेशन से संबंधित हैं उनके लिए भी एमसीक्यू हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़े दिन हम क्लासेस इधर कंटिन्यू करते रहेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू जल्दी से स्टार्ट करेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखना चाहता हूँ, इसीलिए जल्दी ही स्टार्ट करना ठीक रहेगा। और कभी कभी कुछ मैंने एमसीक्यूज देखी हैं तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे तो होते हैं, क्वेश्चन कोई भी खराब नहीं होते हैं, क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन उसमें एक चीज देखने को मिली कि वो स्तर अब नहीं रह गया है पेपर का, पेपर का स्तर काफी ऊपर उठ गया है। तो शुरू में मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हल्के फुल्के प्रश्न मिले और साथ में कुछ कठिन वाले भी मिले, लेकिन कोशिश बाद में जो है यही रहेगी कि आपको उसी स्तर के प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएं जो आपके नेट के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जल्दी ही आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, संख्यात्मक अंक देने की बजाय इन्होंने कहा कि सांकेतिक अंक दिए जाएंगे। सांकेतिक का मतलब ग्रेडिंग दी जाएगी, ठीक है, GRA ग्रेड। तो जो ग्रेडिंग होती है वो होती है ना, ABC या A+ B+, ये सब चीजें दे दी जाए, तो इससे क्या है माध्यमिक शिक्षा के मूल्यांकन स्तर को सुधारा जा सकता है। और कहा इन्होंने कि उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय यानी कि कोर सब्जेक्ट होना चाहिए जो अनिवार्य हो। कोर सब्जेक्ट का मतलब जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला या संगीत, ये सारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें से कुछ को अनिवार्य किया जाए। ग्रामीण विद्यालयों में इन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा जरूर दी जाए, क्योंकि ग्रामीणों के लिए कृषि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में बालिकाओं को गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की शिक्षा दी जाए। ये इनके कुछ संतुष्टियां थी। और आज का प्रश्न जान लीजिए कि मैं फिलहाल मैं आज से शुरू कर रहा हूँ कि आपको लास्ट में क्वेश्चन दे दूंगा, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसका जो है बेहतर से बेहतर आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, सबको पता है, तो वो क्यों मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से हम अगले वीडियो में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।